हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। किशोर, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। अरे अरे, क्या हुआ तुझे? अब तक का तो मंडप तक नहीं पहुंचा और तेरे पैर पहले से लड़खड़ाने लगे। ओ नो, अरे अरे, कोई एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। किशोर, उठो, आंखें खोलो। अरे कुछ पानी तो लाओ यार। कोई फायदा नहीं, किशोर मर चुका है। शादी की बारात में दूल्हे की मौत है? कैसे हुआ ये सब? हम लोग थे ना यहाँ पर। सर, सब कुछ अच्छा भला चल रहा था, लोग नाच गा रहे थे, पता नहीं अचानक से क्या हो गया और किशोर गिर पड़ा। दिख रहे हो ना, आंखों के नीचे सब पीला हुआ है। हाँ सर, जहर का मामला लगता है शायद। वही हो सकता है, सड़न के बताएगा कैसा जहर है ये। क्या आप लोगों को किसी पर शक है? किसने किया होगा ये? तो ये सब सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, सिर्फ एक ही आदमी। कौन? मेरे पिता। क्या? मिस्टर प्रदीश कुमार। सिर्फ वही कर सकते हैं। क्या तुम्हारे पिता इस शादी के खिलाफ हैं? वो नहीं चाहते थे कि हमारी शादी हो, क्योंकि ये उनकी तरह अमीर नहीं था ना। उन्होंने तो हमें धमकी भी दी थी कि अगर हम लोग उनके खिलाफ जाकर शादी करेंगे तो वो इसे मार देंगे। देखो, तुम्हारे पिता आए हैं शादी में? वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन उन्होंने सर किसी को भेजा है मेरे किशोर को मारने के लिए। सर किसी को पैसे दिए। वो जो मुजरिम है ना, प्रवीण कोबला, वो पापा का बहुत अच्छा दोस्त है, उसी ने मारा मेरे किशोर को, उसी ने मारा है। सर, किशोर की जान को खतरा था और अदिति मैडम ने इनको सुरक्षा दिलवाई थी और पिछले 5 दिनों से हम इनकी सुरक्षा कर रहे थे और उसके बावजूद ये सब हो गया। सर, पता नहीं कैसे हो गया ये सब, हमने तो किसी को इनके आसपास भटकने तक नहीं दिया। हाँ, फिर भी लाश तो पड़ी है ना यहाँ पर। किसी को भटकने नहीं दिया। सर, इनमें से किसी ने मारा है मेरे किशोर को? इनमें से कोई मेरे पापा के साथ मिला हुआ है? इन्होंने मारा है। कैसी बदकिस्मत लड़की हूँ मैं, ये उसके खुद के बाप ने उसे शादी के दिन विधवा कर दिया। अदिति, चलो अंदर चलो। चलो। किशोर की जान को खतरा था, है ना? तो क्या उसे किसी सुरक्षित जगह पर रखा था? हाँ सर, एक सेफ हाउस में रखा था हमने। तो वहाँ पे आप लोग यानी सिक्योरिटी थी किशोर के साथ? जी सर, हमने इन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। कहाँ पर रखा था किशोर को? कामिन, घर का कोना कोना छान मारो। सो हाँ। एक, तुम कौन हो? सर, ये घर की देखभाल के लिए। तुम्हारे टीम का आदमी है ये? हाँ सर, ये हमारी टीम का आदमी है। अच्छा सर। हाँ सर, वो देखिए सीसीटीवी कैमरा, कोई भी अजनबी घर के अंदर नहीं घुस सकता। हाँ, मगर कोई तो आता होगा घर में किशोर से मिलने, कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार? नहीं सर, सिवाय अदिति जी के और कोई भी नहीं। अच्छा, खाने का डब्बा कौन लेकर आता था? सर, किशोर का खाना अदिति ही लेकर आती थी और चाय वगैरह वो खुद बना लेते थे। मतलब सिर्फ अदिति ही आती थी इस घर में? सर, अंदर चेक कर लिया, इस घर में जबरदस्ती या चोरी छिपे घुसने का कोई सबूत, कोई निशान नहीं मिला है। सर, ये
किशोर के बाल इतने आसानी से हाथ में आ गए? हाँ तारिका, ये बालों का आसानी से हाथ में आ जाना, इसके आंखों के नीचे पीलापन, नाक में से खून बहना, होंठ सफेद हो जाना, गला सूज जाना, ये सब के सब एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इसे ऑल्सो बैक्स्टर नाम के जहर से मारा गया। मतलब रेडिएशन पॉइजनिंग? बिल्कुल बिल्कुल तारिका, इसके शरीर में विकिरण द्वारा जहर पैदा किया गया है ऑल्सो बैक्स्टर से। सारे सिम्टम्स उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। सर ये रेडिएशन का हम पे तो कोई असर नहीं होगा ना? नहीं नहीं तारिका, घबरा मत। इस जहर का असर तभी होता है जब किसी खाने या पीने की चीज के साथ ये जहर शरीर के अंदर जाए, अदरवाइज नहीं। तुम एक काम करो, तुम टेस्ट की तैयारी शुरू करो, तब तक मैं प्रद्युमन को बोल देता हूँ कि वो गीगर काउंटर का इंतजाम कर ले। हाँ, गीगर काउंटर मतलब? तारिका, गीगर काउंटर एक ऐसा यंत्र होता है जिससे एसीपी प्रद्युमन ये पता लगा सकेंगे कि उस सेफ हाउस में जहाँ पर इसे रखा गया था वहाँ पर ये ऑल्सो बैक्स्टर नाम के जहर का रेडिएशन है या नहीं, और अगर है तो कितना है। ओके सर, श्योर। अकरण, रेडी है? ऑल्सो बैक्स्टर, ऑल्सो बैक्स्टर जहर, पता चल जाएगा ये जहर किशोर के शरीर के अंदर गया कहां से। ये हमारा डिवाइस अल्फा पार्टिकल रेडिएशन ये बता देगा। बारीक से बारीक चीज को भी चेक करो, देखो रेडिएशन मिलता है क्या। यस सर, करण। एक बात बताओ, क्या किशोर एक ही खाने के डिब्बे में से खाना खाता था, एक ही टिफिन में से? जी सर, एक ही टिफिन से। और ये टिफिन अदिति ही लाती थी? जी सर। सर, पूरा किचन चेक कर लिया सर, ये रेडिएशन कहीं भी नहीं मिला। कहीं पर भी कोई भी रेडिएशन नहीं? नो सर। अरे सारुके साहब, आपने वो क्या यंत्र बताया था आपने? गीगर काउंटर। हाँ, गीगर काउंटर। एसीपी साहब ने पूरे सेफ हाउस में इस्तेमाल किया उसको, अच्छी तरीके से चेक किया, मगर वो रेडिएशन का तो नामो निशान तक नहीं था। अरे ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये तो नामुमकिन है, कोई गलती हो गई है इस यंत्र को इस्तेमाल करने में। गलती कैसे हो सकती है सर? सर कहीं गलती आप, मेरा मतलब है कि हो सकता है कि वो जहर मामूली जहर हो। एक बार टेस्ट की रिपोर्ट आ जाने दो सचिन, फिर पता लगेगा कि गलती हमसे नहीं हुई है। हवा में बात नहीं करता डॉक्टर सालुके, यू अंडरस्टैंड दैट? एक्सरे दिखाओ इन्हें। एक मिनट, एक्सरे दिखाओ। ये देखो, ये निशान देख रहे हो पेट में? हाँ, ये कोई काली सी चीज है, और ये काली चीज क्या है इसका पता इसकी ऑटोप्सी के बाद लगेगा, लेकिन मेरा दिमाग कहता है कि इस काली चीज का बहुत बड़ा हाथ है इस आदमी की मौत में। सर ये देखिए, ये बॉटल अंदर बेडरूम में टेबल के नीचे छुपा कर रखी गई थी। है क्या इस बॉटल में? काबिन सर, काम करो, चेक करो इसे, देखो इसमें रेडिएशन मिलता है क्या, पता तो चले जहर है भी या नहीं। अगर इसमें रेडिएशन नहीं है तो इसका मतलब है ये वो जहर ऑल्सो बैक्स्टर नहीं है। क्या तुम लोग जानते हो क्या चीज है ये? नहीं सर। नहीं सर, इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते। काबिन, काम करो, शादी में जितने भी लोग आए थे, जितने भी लोग, उन सब से पूछताछ करो, एक एक करके पूछताछ करो अच्छी तरह से, यहां तक कि आदिति से भी पूछताछ करो, बचे आदिति के पिता प्रतीश कुमार। माय
गॉड, पेट में बाल। अब तो समझो इस किशोर की मौत की गुत्थी सुलझ ही गई। वो कैसे सर? बताता हूँ। तुम एक काम करो, पहले इन बालों को अच्छी तरह से साफ कर लो। क्या डॉक्टर साहब, बोला था ना आपसे गलती हो रही है। ये मिला एसीपी साहब को सेफ हाउस में। ये मामूली जहर है, इसमें कोई रेडिएशन वेडिएशन नहीं है। अरे फिर वही बात। भाई साहब, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमसे कभी कोई गलती होती नहीं है। किशोर की मौत की वजह ऑल्सो बैक्स्टर नाम का जहर ही है। सर, जिद की भी एक हद होती है। अगर ये किशोर ऑल्सो बैक्स्टर से मरा है तो आपका वो जो यंत्र था, वो गीगर काउंटर, उसने इसमें रेडिएशन क्यों नहीं पकड़ा? इसमें रेडिएशन हो भी नहीं सकता है, क्योंकि भाई साहब जहर इसमें नहीं है। जहर यहाँ है, इसके पेट में। इसके पेट में बाल थे, उसमें जहर। बाल में जहर? हाँ, तुम याद है ना, इसके पेट का एक्सरे दिखाया था तुम्हें, उसमें काली सी चीज थी। हाँ, वो काली सी चीज दरअसल इसके पेट में बालों का एक गुच्छा था, और उन बालों के गुच्छे में ऑल्सो बैक्स्टर नाम का जहर था, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई। सर, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, कोई बाल कैसे खा सकता है? गलती से पेट में चले गए, और वैसे भी इसके बाल झड़ रहे थे ना। नहीं सचिन, वो बाल किशोर के नहीं है, वो बाल किसी और के हैं। और उन बाल में ऑल्सो बैक्स्टर नाम का जहर था, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई है। मैं बताता हूं, देखो सारे का बाल लाना जरा। सर, देखा, बाल में जहर है। एक मिनट, तो आप ये कहना चाहते हैं कि शोर शिकार हुआ किसी और के सिर के बाल से, जो उसके पेट में गया, और चूंकि बाल जहरीला था इसलिए मर गया बेचारा ये। एग्जैक्टली। तो फिर उस आदमी के शरीर में भी तो जहर होगा जिसका ये बाल है। यकीनन। माय गॉड। अच्छा, ये बाल इसके पेट में कब गया, कितने दिन पहले? लगभग 7-8 दिन पहले। मतलब इसे प्रोटेक्शन मिलने से पहले? मैं बताता हूँ डिटेल, आओ। ये देखो, ये बाल किशोर के शरीर में जाकर के पेट में अटक गया, और क्योंकि इस बाल में ऑल्सो बैक्स्टर नाम का जहर था, तो पूरा जहरीला रेडिएशन इसके शरीर में फैल गया। इस बेचारे को पता भी नहीं चला कि मौत इसके करीब आकर के दस्तक दे चुकी है। मतलब किशोर की मौत एक हादसा है, असली खूनी तो वो है जिसने उस आदमी को मारने की कोशिश की है इसका ये बाल है। पता नहीं बेचारा जिंदा भी होगा कि मर गया। सर, एक बात तो तय है कि ये कोई किशोर के आसपास वाला ही है, क्योंकि किशोर के खाने में किसी और का बाल कैसे आ सकता है? ये हो सकता है कि वो बाहर खाना खाने गया हो किसी रेस्टोरेंट में, और वहाँ के शेफ या कुक का बाल उसके खाने में गिर गया और गलती से इस किशोर ने खा लिया। होने को तो कुछ भी हो सकता है। इस बाल से कुछ और पता चल सकता है? अभिजीत, ये बाल किसी आदमी का है, और ये देखो, इस बाल में पिगमेंटेशन काफी कम है। पिगमेंटेशन जिससे बाल काले रहते हैं? एग्जैक्टली। मुझे लगता है इस आदमी की उम्र 40 से 45 साल की होगी। देखो, इस बाल की जड़ें सफेद हैं। अरे डॉक्टर साहब, जो इसके पेट से बाल निकले हैं वो तो सारे काले हैं। एडाई का मतलब समझते हो ना, उसी का कमाल। अच्छा सर, ये ऑल्सो बैक्स्टर, ये तो बहुत ही खतरनाक जहर है, तो आसानी से तो मिलता नहीं होगा। बिल्कुल नहीं मिलता। अब जीते काम करो, पता लगाओ कि हाल ही में किसी एटॉमिक लैब से ये जहर चुराया तो नहीं गया। अगर ये पता लग गया दोस्त, हम खूनी तक पहुंच जाएंगे। करेक्ट। सर, इस बोतल में तो जहर ही है, पर एक बात समझ में नहीं आ रही कि कोई अपनी पसंद की लड़की से शादी करने से पहले खुद की जान क्यों लेगा? हो सकता है कि किशोर डरा हो इस बात को लेके कि कहीं अदिति के पिता के गुंडे उसे पकड़ ना ले, और उसने ये सोचा हो कि क्यों ना जहर खाकर खुद में अपनी जान दे दे। सोचने वाली बात यह है कि किशोर के पेट में बाल गया एक हफ्ते पहले, जब वो अपने पुराने घर में था। तो हमारी अगली मंजिल है किशोर का पुराना घर। अच्छी तरह से तलाशी लो करके, देखो क्या मिलता है। सर, किशोर और अदिति के प्यार ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि सच्चा प्यार जात पात या अमीरी गरीबी जैसी चीजों को अपने आगे टिकने नहीं देता। पर अफसोस, उनकी ये प्रेम कहानी उसी दिन खत्म हुई जब वो हमेशा के लिए एक होने वाले थे। सर, किशोर के दोस्त ने बताया है कि हाल फिलहाल में ही वो दिवालिया हुआ है, और तभी से उसकी हालत ऐसी तंग हो गई।
पर सवाल ये उठता है कि किशोर के पेट में वो जहरीला बाल गया कहां से? टर्मिनेशन लेटर। इस किशोर को नौकरी से निकाला गया था MLM एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। ये तो अदिति के पिता की कंपनी है। सर सर आप रेडी? बासी खाना है। एक मिनट। इसमें कहीं बाल तो नहीं दिख रहा? जरा घर का राशन चेक करो। नहीं सर, इस घर में जरा सा भी राशन नहीं है कहीं भी। नो, इसका मतलब ये खाना यहां नहीं पका है, बाहर से आया है। टिकट्स, ये तो एक हफ्ते पहले की टिकट्स हैं। ये किशोर तिलक नगर जाता था, मतलब उसी समय जब उसके शरीर में वो जहर चला गया। अगर सर जब किशोर के पास कोई नौकरी नहीं थी तो ये रोज तिलक नगर करने क्या जाता था? ये तो वहीं जाने के बाद पता चलेगा। तिलक नगर में सर, तिलक नगर बस स्टॉप तो आ गए, अब यहां से कहां जाए? फोटो दिखाए था लोगों को किशोर की? नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो देखो, LP चैरिटेबल ट्रस्ट, यहाँ जरूरतमंद लोगों के लिए मुफ्त में खाना और कपड़े दिए जाते हैं। हो सकता है ये किशोर भी यहीं पे आया होगा। किशोर के शरीर में वो जहर गया है तो यहाँ आने वाले दूसरे लोगों के शरीर में भी गया होगा। चलो अंदर चल के पूछताछ करते हैं। Excuse me, हम लोग CID से। यह मैनेजर कौन है? जी मैं ही हूँ सर, अविनाश। पर यहाँ पे CID का क्या काम? इसे पहचानते हैं आप? किशोर नाम है इसका। सर ये तो अक्सर आता था यहाँ खाना खाने, पर कुछ दिन से नहीं आ रहा। सर इसे क्या हुआ? किसी ने इसका खून कर दिया। क्या खून? और आपको ये बात जान के धक्का लगेगा कि इसकी मौत की वजह आपके यहाँ खाए खाने से जुड़ी हुई है। जी क्या मतलब? हमें इसके पेट के अंदर से बाल मिला है जो शायद खाने के जरिए इसके पेट में गया है, और उस बाल में जहर था। अल्सूफ बेक्स्टर नाम का बहुत ही खतरनाक जहर। सर क्या कह रहे हैं आप? हम तो बहुत सावधानी बरतते हैं लोगों को खाना देने से पहले। ये हमारा बाबरची है, इससे आप पूछ सकते हैं। अब ये बताइए कि किसी और ने भी शिकायत की थी खाने में बाल होने की? हाँ सर, कुछ शिकायतें आई तो हैं। साहब मैंने पूरी सब्जी फेंक दी थी जिसमें बाल निकले। पर किशोर को कैसे पता नहीं चला कि उसके खाने में बाल है? वो इसलिए क्योंकि उसकी आंखें बहुत कमजोर थी, बहुत हाई पावर का चश्मा पहनता था और शायद उस दिन उसने वो चश्मा ना पहना हो। अच्छा, इन साहब के अलावा कोई और भी खाना बनाता है यहाँ पे? सर कोई एक हो तो मैं बताऊँ। यहाँ तो कई लोग आते हैं दिलों में भावनाएं लेकर और खाना पकाने में हमारी मदद करते हैं। तो जो लोग अक्सर आते हैं खाना बनाने के लिए उनका कोई रजिस्टर कोई लिस्ट होगा ना? एक मिनट सर। एक मिनट। जी सर। सर इसमें तो 70-75 लोगों के नाम है, कैसे पता चलेगा कि किशोर के खाने में किसका बाल गया था? याद है ना डॉक्टर सालम ने क्या कहा था, उस आदमी की उम्र 45-50 साल है और वो बालों को डाई करता है। 45-50 साल और बालों को डाई करता है? और शायद उसकी तबीयत भी अभी खराब होगी क्योंकि उसके बालों में जहर है, तो वो जहर उसके शरीर में फैल गया होगा। हाँ साहब, वो शायद रमेश जी ही होंगे, इसलिए कि जो आप उम्र बता रहे हो ये उनकी थी, और साहब वो भी बाल रंगते थे और करीब करीब साहब वो एक हफ्ते से यहाँ आए भी नहीं। रमेश। हाँ सर। जरा उसका एड्रेस देना हमें। मैंने पहचाना नहीं आपको। एक्सक्यूज मी, हम लोग CID से। CID? CID का क्या काम मेरे घर पे?
में थोड़ी देर करती। 4 दिन पहले ही उनकी मौत हुई है। क्या? जी। रमेश की मौत हो गई? कैसे? एक रोड एक्सीडेंट में। रोड एक्सीडेंट? आपके पति की मौत हो चुकी है और आप यहाँ जश्न मना रही हैं? किसी के जाने से जिंदगी तो नहीं रुकती। जाने वाला चला गया। सुन लिया? सही है। ये मौत हुई कैसे? इसमें भी रमेश की गलती थी। गाड़ी चलाते चलाते सो गया। वो कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। सर ये एक्सीडेंट जहर की वजह से ही हुआ होगा। क्या बात है अलीशा, सीआईडी यहाँ क्यों? रमेश की मौत की पूछताछ करने आए हैं। आपकी तारीफ? ये मेरे दोस्त हैं राहुल। अरे छोड़िए ना ऑफिसर, जो चले गए उन्हें क्या याद करना। आइए आप लोग भी हमारे साथ पार्टी एंजॉय करिए। ज्यादा बात मत करना, समझे? क्या एक मौत की पूछताछ हो रही है, समझे आप? इनके पति रमेश की मौत हुई है जहर से। हमें तो शक होने लगा है कि रमेश को जहर तुमने ही दिया होगा और शायद उसमें इनकी मदद ली होगी आपने। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? जी हाँ, कुछ कहना है आपको? हमें रमेश के डीएनए सैंपल्स लेने हैं अभी इसी वक्त। आपने आने में देर कर दी, अफसोस। अब तो उनकी अस्थियां भी बहा दी है मैंने। लेकिन कुछ तो होगा घर पे, उनका ब्रश, उनकी कंघी वगैरह। आप कल नहीं आ सकते? आप क्यों मेहमानों के सामने बेइज्जती कर रहे हैं? देखो मैडम, अगर हमने तुम्हारे घर की जबरदस्ती तलाशी ली और तुम्हें अपने साथ ब्यूरो ले गए तो तुम्हारी दुगनी बेइज्जती होगी। जी आइए। ये रहा रमेश का ड्रेसिंग टेबल और ये रहा उसका कॉम। सर हेयरब्रश मिला है, इस पे कुछ बाल भी है। ये आईडी आरएसी न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर। अलीशा जी, आप आरएसी न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में काम करती हैं? जी हाँ। अच्छा सर, ये आल्सो बैक्स्टर, ये तो बहुत ही खतरनाक जहर है, तो आसानी से तो मिलता नहीं होगा। बिल्कुल नहीं मिलता। अर्जित एक काम करो, पता लगाओ कि हाल ही में किसी एटॉमिक लैब से ये जहर चुराया था। सर सर उनके साहब ने रिसर्च सेंटर के बारे में बताया था, याद है? अनिशा जी, आल्सो बैक्स्टर, ये जहर आल्सो बैक्स्टर जिसकी वजह से आपके पति रमेश जी की मौत हो गई, वो अक्सर वहीं पे पाया जाता है जहां पर यूरेनियम कोर या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं। कह दीजिए अपने मेहमानों को क्या आपके लिए ये पार्टी खत्म। हो सकता है आप लोगों को जानकर दुख हो, लेकिन अनीशा खूनी नहीं है। और इतने यकीन से कहने की वजह? क्योंकि रमेश का खून हुआ ही नहीं है, वो बेचारा तो वाकई एक्सीडेंट में मारा गया। लेकिन उस लिस्ट में सर 40-45 साल का यही एक आदमी था, रमेश। क्योंकि उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि पिगमेंटेशन की वजह जहर नहीं है, उम्र नहीं है, बल्कि पिगमेंटेशन की वजह है ड्रग्स और केमिकल्स। अब ये नया चक्कर क्या है सर के साथ? सचिन, दरअसल इस आदमी की उम्र थी सिर्फ 30 साल की, लेकिन क्योंकि वो ड्रग्स लेता था इसलिए उसका शरीर और उसके बाल ज्यादा बूढ़े हो गए थे, और उसके शरीर में पिगमेंटेशन इतना कम था कि 30 साल के होने के बावजूद वो लगता था 40-45 साल का। इस ड्रग के इस्तेमाल से इंसान को हेलुसिनेशन होने लगते हैं और कभी कभी उसके अंग कांपने लगते हैं। तो खूनी कोई 30 साल का आदमी है जिसके हाथ कांपते हैं। सर वो चैरिटेबल ट्रस्ट के लॉग बुक में भी एक आदमी की लिखाई ऐसी थी, बिल्कुल टेढ़ी, ऐसा लगता था कि लिखते वक्त उसके हाथ जरूर कांपते होंगे। नाम याद है उसका? एक मिनट। जी सर। हाँ सर, निशांत कुमार। निशांत कुमार, पता लगाओ इस निशांत कुमार का एड्रेस। पता नहीं सर, हम सबको यहाँ क्यों इकट्ठा किया है? कुछ पता चला मेरे बेटे निशांत का? नहीं माजी, अभी तक नहीं, पर हमें शक है कि निशान पे किसी जहर का असर हुआ है। क्या? वहाँ संभालिए अपने आप को। पर आपको इस बात का पता कैसे चला?
हमने कहा ना, हमें शक है, यकीन नहीं है। आप ये बताइए, ये निशांत है कहाँ? जी वो 4 दिन पहले दिल्ली के लिए निकले थे। वहां से उनका SMS आया कि वो सही सलामत दिल्ली पहुंच गए हैं। उसके बाद से उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। क्या वो SMS हम देख सकते हैं प्लीज? अच्छा, आपने उस होटल में पता करने की कोशिश की जहाँ पे निशान ठहरने वाला था? हाँ, मगर होटल वालों ने तो कहा वो वहाँ आए ही नहीं। हमने एयरलाइंस में भी पता किया, लेकिन वहाँ से पता चला कि उन्होंने कोई फ्लाइट पकड़ी ही नहीं। मतलब निशान दिल्ली गया ही नहीं, झूठ बोला उसने आप लोगों से। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। संभालो अपने आप। आप निशान की सेक्रेटरी है ना? जी सर, मैं उनकी सेक्रेटरी सूजी हूँ। उसने अपने शेड्यूल में कहीं लिखा था कि वो दिल्ली जाने वाला था? नहीं तो। सर, निशान ने ऐसा पहले कभी किया है? सर वो, आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं नहीं। निशान के साथ एयरपोर्ट कौन गया था उसे छोड़ने के लिए? उसने प्राइवेट टैक्सी मंगाई थी, वो मिला भी था मुझे घर के बाहर। मुझे तो बड़ा ठीक ठाक लग रहा था। मतलब एयरपोर्ट पे गया था निशांत टैक्सी में बैठकर, मगर उसने फ्लाइट नहीं पकड़ी, वहां से कहीं चला गया। पता करना पड़ेगा एयरपोर्ट से ये निशांत गायब कहां हो गया। कविन, उस दिन ये निशांत कहां कहां घूम रहा था GPS सिस्टम में पता चला? यस सर, ये देखिए सर। पहले बांद्रा की तरफ गया, फिर उल्टी दिशा में विले पार्ले, और उसके बाद दादर। सर, ये निशांत हमसे झूठ कह रहा था कि वो दिल्ली जा रहा है, बल्कि सच ये है कि वो शहर के अलग अलग हिस्सों में देखा गया। ये देखिए, यहाँ पे ऊपर नीचे घूम रहा है ये। उसका आखिरी लोकेशन तो विरार के आगे दिखा रहा है। शहर के बाहरी इलाके में। ये निशांत के दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही थी। सर, हो सकता है निशांत को जहर भी इसी खिचड़ी की वजह से दिया गया है। उसे जहर दिया किसने और क्यों दिया है, ये तो विरार वाली आखिरी लोकेशन में जाने के बाद ही पता चलेगा। ये है वो जगह जहां आखिरी बार निशांत के मोबाइल ने GPS नेटवर्क पकड़ा था। अजीब बात है ना सर, कोई भला अपनी फ्लाइट मिस करके ऐसी जगह पे क्यों आएगा? यहाँ तुम्हें बाल क्यों? सर जरूर यहाँ कुछ हुआ है। सर यहाँ ये मिट्टी बता रही है कि यहाँ पे हाल फिलहाल में खुदाई हुई है। सारी जगहों को खोदो जल्दी। सर यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है। सर यहाँ पर कुछ नहीं है। इधर भी नहीं है सर। सर मैं काम करो, इस घर के अंदर जाओ और तलाशी लो, देखो कुछ मिलता है क्या। जी सर। बड़े कमाल की बात है, इतनी ज्यादा जगह खुदा है पर खुदाई के अंदर कुछ भी नहीं मिला। ये भी तो हो सकता है कि खुदाई कुछ निकालने के लिए नहीं बल्कि जो पहले दफनाया गया था उसे निकालने के लिए खोदा गया। सर, हाँ? ये देखिए घर के अंदर से क्या मिला सर। तो इसका मतलब है ये निशांत अपने नशे की बुरी लत को यहाँ पे आके पूरा करता था,
और सर दो ग्लासेस हैं, इसका मतलब इस निशान के साथ जरूर कोई दूसरा आदमी भी था। हाँ वही होगा जिसने निशान को जहर दिया। सर आप रेडी? ये देखिए यहाँ पे किसी का हाथ है, ये देखिए। मुझे हटा। पता चल गया है कि निशांत शहर में यहाँ वहाँ क्यों घूम रहा था, ड्रग्स की तलाश में। ढेचू ने बताया कि ड्रग्स की तलाश में वो सभी डीलर से जाके मिला इस इलाके के। और वो जहर एल्सॉप बैक्स्टर, वो कहाँ से चोरी हुआ कुछ पता चला? यस सर, अगस्टियोल इलाके के एक रिसर्च लैब से। हाँ मगर ये चोरी क्यों हुई और किसने की ये अभी तक पता नहीं चल पाया। डॉक्टर साहब ये निशांत ये कितने दिन पहले मरा है? 4 दिन हो गए इसकी मौत को। 4 दिन पहले? अब ये क्या बात कर रहे हैं सर आप। 3 दिन पहले इस आदमी ने SMS भेजा अपनी वाइफ को। सोचना भी मत अभिजीत कि हम लोगों से गलती हुई है। बॉस इसकी लाश पर से मुझे कीड़े मिले, वो कीड़े जो इंसान के मरने के बाद उसके शरीर पर पाए जाते हैं जिन्हें मैगट्स कहते हैं। और इन कीड़ों ने लाश के ऊपर जो अंडे दिए हैं वो 4 दिन पुराने हैं। इसका मतलब बात साफ है, इसकी मौत को 4 दिन हो चुके हैं। मतलब निशान ने अपनी पत्नी को SMS नहीं भेजा, किसी और ने भेजा है, शायद उसके खूनी ने। लेकिन खूनी ने ऐसा किया क्यों होगा? ताकि ये लोग पुलिस में इसके गायब होने की रिपोर्ट में लिखा है और उसे थोड़ा और वक्त मिल जाए वो चीज ढूंढने के लिए जिसकी वजह से वो सारे गड्ढे खोद रहा था। एक बात और अभिजीत, उस आदमी की निशांत के साथ मरने से पहले हाथापाई हुई है। ये देखो इसकी गर्दन पर यहाँ दाईं तरफ कुछ खरोंच के निशान है और यहाँ बाईं तरफ ये चोट के निशान है। मतलब उस आदमी ने अपने दाहिने हाथ से इसकी गर्दन को दबोचा और बाएं हाथ से इस पर वार किया यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ यहीं पर वार के निशान है और कहीं पर नहीं। सर इसका मतलब तो साफ है कि इस पे हमला करने वाला कोई लेफ्ट हैंडर है, कोई खब्बू। तो इस केस में कोई ऐसा है जो खब्बू है? सर दीपक। दीपक निशांत का दोस्त? हाँ वही दीपक। दोस्त नहीं दुश्मन, पता लगा दीपक कहाँ मिलेगा। नहीं सर ये दीपक बहुत चालाक निकला, वो जानता था CID उसके घर तक पहुंच जाएगी इसलिए पहले ही भाग निकला। भाग के जाएगा कहाँ? पकड़ा जाएगा, ये GPS सिग्नल आया। यस सर सामंत नगर दिखा रहे। सामंत नगर? वो तो यहाँ पास में ही। सर वो सिग्नल यही हमारे आसपास दिखा रहा है, हमारी तरफ ही आ रहा है सर, लगभग 500 मीटर की दूरी पर। चलो बहुत अच्छी बात है, उसका यही इंतजार करते हैं। यस सर। कहाँ है लोकेशन? ये क्या सर? सर उसका सिग्नल गायब हो गया सर, अभी तक था अब नहीं। ये टैप खराब हो गया क्या? जल्दी से कुछ करो वरना दीपक हमारे हाथ से निकल जाएगा। आ गया सर, पर कुछ अलग है सर, ये सिग्नल अब बता रहा है कि उसने T2 सिग्नल क्रॉस कर लिया। T2 ना का? पर वो तो सड़क के उस तरफ 1 किलोमीटर दूर है पीछे की तरफ। मुझे तो लगता है दीपक ने किसी आत्मा से लिफ्ट ले ली होगी और उसकी अदृश्य गाड़ी में बैठकर गायब हो गया होगा। ओ, आप समझ में आया, वो यहाँ से सबवे से उस तरफ गया, वहां से शायद किसी बाइक या टैक्सी रिक्शा में बैठ के T2 नाका पहुंच गया। चलो T2 नाका पहुंचते हैं। वो हमारे आसपास ही है सर। कहाँ है, दिख तो नहीं रहा? आ रहा। कहीं जाने की जल्दी है, कहाँ जा रहे हो? सर आप लोग? हा? कहीं नहीं घर जा रहे हो। बैग में क्या? बैग में कुछ नहीं है सर। बोलो। सर कपड़े हैं सर। बैग खोल। दिखा दिखा। सर कुछ नहीं है बैग में सर। सर सर कपड़े ऐसे होते हैं। सर निशांत और मैं दोस्त थे सर, हम लोग साथ मिलकर सारे काम करते, साथ मिलकर हम लोग ड्रग्स का नशा भी करते थे। तो एक दिन ऐसे ही शराब के नशे में आकर हमारे ड्रग डीलर ने हमें बताया कि उसने हाल ही में कोई 1 करोड़ रुपए की डील साइन की और 2 दिन के बाद पता चला कि वो अरेस्ट हो गया। तो तुम दोनों ने प्लान बनाया कि कैसे वो करोड़ों रुपए तुम्हारे हो जाए, क्यों? हाँ हम लोग उस ड्रग डीलर के अड्डे पे गए और पैसे मिल भी गए थे सर हमें, लेकिन निशांत की नीयत बदल गई।
वो सारा पैसा अकेले हड़पना चाहता था। फिर? और मुझे बिना बताए उसने जहां हम लोगों ने पैसा छुपाया था वहां से पैसा निकाल भी लिया। और मुझे पता था सर ये सब वो सेक्रेटरी सूजी के साथ भागने के लिए करा। और इस बातों पर हमारा बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ सर। बता मेरे पैसे कहां पर? दीपक मेरी बात तो सुनो। देख मैं तुझे बोल रहा हूँ, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है। मुझे सिर्फ इतना बता मेरे पैसे कहां पर है। तू ऐसे नहीं मानेगा, नहीं मानेगा तू ऐसे। अब बताता है तू एक और, बताएगा कि नहीं बताए? नहीं बता दे मेरे पैसे कहां पर है। निशांत मैंने सर उसको जानबूझकर नहीं मारा है सर, मैंने जानबूझकर नहीं मारा है। मैं उसको सिर्फ पूछ रहा था मुझे बता दे पैसे कहां पर है, बता दे मुझे पैसे कहां पर। गलती से मौत हुई है सर उसकी, मैंने उसको नहीं, मैं खून ही नहीं हूं सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर। बकवास मत कर, खून खून होता है, जानबूझ के किया जाए या फिर गलती से हो। फिर तुमने निशांत के फोन से प्रिया को SMS किया ताकि तुम्हें और टाइम मिले पैसे ढूंढने में। हां मैंने निशांत की लाश को दफना दिया और आसपास पैसे ढूंढने की कोशिश भी की, पर जब मुझे पैसे मिल गए मैंने सोचा कि मैं नई जिंदगी शुरू करूंगा। नई जिंदगी शुरू करेगा तू, शुरू करेगा मगर जेल में। बस पहली तो और उलझ गई है। यार सारुंखी तू सिर्फ पहलिया उलझाता रहे, बता कुछ भी मत, बता तो सही मिला क्या है। हेलो बस, ऑल्सो बैक्स्टर जहर 3-4 दिन में अपना असर कर देता है, 3-4 दिन लेने में इंसान की मौत हो जाती है। लेकिन निशांत को यह जहर इतनी कम मात्रा में दिया गया कि उसकी मौत इतनी जल्दी नहीं हो सकती। हाँ सर, इसे तकरीबन 20 दिनों तक ये जहर दिया जा रहा था, वो भी बिल्कुल कम मात्रा में, ताकि जब वो मरे तब उसकी बॉडी में यह जहर डिटेक्ट ही ना हो। और हमने उस ड्रग डीलर को पकड़ा है 1 हफ्ते पहले, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस निशांत की मौत के पीछे दीपक के अलावा कोई और ही है? हो सकता है, और ये और कोई कौन है इसका पता देगा हमें एक बार। आओ बस चलो। बस इंसान का बाल हर महीने तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर बढ़ता है। जिस दिन इस निशांत को जहर दिया गया, इस जहर ने बाल पर अपना निशान छोड़ दिया। ये देखो ये डॉट, और हर रोज निशांत को एक निश्चित मात्रा में जहर दिया गया और हर रोज उस जहर ने अपना निशान बाल पर छोड़ दिया सिवाय ये। 30 तारीख और 24 तारीख। हाँ, और 25 से फिर से देना शुरू कर दिया। सर, 23 और 24 तारीख को निशांत का पूरा परिवार शहर से बाहर गया था। हाँ श्रेया, 23 और 24 को निशांत का पूरा परिवार शहर से बाहर गया था। निशांत शहर में ही था तो निशांत को 23 और 24 को जहर नहीं दिया गया था। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि निशांत को जहर देने वाला उसके परिवार का ही कोई है। लेकिन सर निशांत के परिवार में तो बहुत सारे लोग हैं, उन्हीं तक पहुंचेंगे कैसे? सचिन, अब खूनी के पास हम नहीं जाएंगे, वो खुद हमारे पास आएगा। सर आपको कुछ पता चला कि निशांत का खून किसने किया है? हाँ पता चल गया, और वो मुझे यही है इस कमरे में हमारे बीच। क्या यहाँ पे कौन है वो? मुझे, मैं अपने आप को बहुत होशियार समझता है, वो ये भूल गया कि CID के सामने अच्छे अच्छों की होशियारी खुश हो जाती है। निशांत की मौत की वजह है वो दौलत जो निशांत और दीपक ने मिलकर चुराई थी। तो क्या दीपक ने निशांत को मारा है? निशांत को एक ऐसे चालाक दिमाग ने मारा है जिसे लगता है कि उसका भोला चेहरा उसे बचा लेगा, और शातिर दिमाग तुम हो। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने किसी का खून नहीं किया है। झूठ मत बोलो, अब ये भी जानते हैं कि तुमने वो जहर कहां से चुराया। अपना ड्रामा बंद कीजिए सूजी जी, जहां निशांत मारा गया हमें वहां से आपके बाल मिले। जरूर कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, मैं निर्दोष हूँ।
दिव्या, गिरफ्तार कर लो इसे। छोड़ दीजिए मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। ये सजा कानून नहीं, इसे एक पत्नी देगी, मैं छोड़ूंगी नहीं इसे। दिव्या, इसे सजा अदालत ही देगा। अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि सीआईडी और फॉरेंसिक साइंस के सामने कोई मुजरिम छुप नहीं सकता। हमारे पास फॉरेंसिक लैब में वो डीएनए सैंपल है। कल उस डीएनए सैंपल के टेस्ट के बाद पता चल जाएगा कि वो मुजरिम सूजी ही है। लैब ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं आई? रेड, भागने की कोशिश भी मत करना। तुम्हें क्या लगा ये बच्चों का खेल है? हमें पहले से ही पता था कि सबूत चुराने के लिए तुम जरूर आओगे। और आ गए। लेकिन एक बात तुम्हें पता नहीं कि सबूत कोई था ही नहीं। वो दिखाई हो जाए सर इनके नेकी और पूछ। उससे प्राइवेट टैक्सी मंगाई थी, वो मिला भी था मुझे घर के बाहर। शीतल, शीतल तुम छोड़ दो मुझे, वरना मैं इसे गोली मार दूंगी। बेवकूफी मत करो, गन नीचे रखो। सीआईडी को मारना तेरे बस की बात नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया मेरी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए किया। निशांत, निशांत को क्यों मारा? क्या तुम्हारी बेटी की मौत में निशांत का हाथ था? हाँ, उसे ड्रग्स की लत लग गई थी। 2 साल पहले वो ओवरडोज से उसकी मौत हो गई थी। मुझे वही ड्रग्स निशांत के घर से मिली। तो तुम अच्छी तरह से समझ गई थी कि तुम्हारी बेटी को ड्रग्स की लत में डालने वाला कोई और नहीं बल्कि निशांत है। आज वो अगर जिंदा होती ना तो बिल्कुल तुम्हारी उम्र की होती, उसकी भी शादी हो रही होती, जिंदगी में कुछ करके वो भी कुछ बन रही होती। निशांत ने ऐसा कुछ नहीं होने दिया, सब बर्बाद कर दिया निशांत ने, सब बर्बाद कर दिया। फिर मैंने सोच लिया कि मैं निशांत को मार डालूंगी, और मैंने उसे आहिस्ता आहिस्ता वो पॉइजन देना शुरू कर दिया। मैंने कहीं पढ़ा था कि ये स्लो पॉइजन इतनी आसानी से शरीर में मिलता नहीं है। ये जहर पाया कैसे तुमने? कहाँ से चुराया? मैंने उस लेबोरेटरी के असिस्टेंट से पहले दोस्ती कर ली, उसके बाद पैसों का लालच देकर खरीद लिया। बहुत गलत किया तुमने शीतल, तुम्हारी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ सही नहीं हुआ। हमें अफसोस है उस बात का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कानून को अपने हाथ में लो। हमारी मदद ले सकती थी तुम। तुम्हारे ऐसे करने से 2 मासूम लोगों की जानें चली गई। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी, शायद फांसी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।